आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है, और बहुत नजदीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, आगे कोई फिर से कोई गर्डर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से, तो अभी चूंकि उसको काट काट के 1 मिनट पहले 1 मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है और 20-25 मीटर करीब अभी और निकलनी है, 25 मीटर से ज्यादा है। तो जो भी समय लगेगा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी, और निकलने के बाद उसके बाद मैन्युअली उस पर आगे बढ़ेंगे। और अंदर जो लोग हैं उनके गब्बर सिंह, सबा अहमद और सरवियर मिश्रा, उन सभी से अखिलेश से मेरी अभी बात हुई है, मैंने कुछ बात करी है, उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं। वो लोग उनके अंदर कोई ऐसे वो नहीं है कि कहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए, हम लोग यहाँ पर ठीक हैं और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए, हमको टाइम से खाना भी मिल रहा है, सब हम अंदर ठीक से हैं, कुछ सभी स्वस्थ भी हैं। तो सभी ऑप्शंस पर हम काम कर रहे हैं, और अभी हैदराबाद से आगर मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा जो कटर है, प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है, वो भी शाम तक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा, और रात तक यहाँ पर आने से वो जल्दी, और जो कटिंग का काम है वो जल्दी होगा। तो हम भी भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो, और आप लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है सभी का यहाँ पर, और मैं ये जानता हूँ कि आप लोग भी कठिन परिस्थिति में यहाँ पर लगातार पिछले जिस दिन से ये आपदा की स्थिति बनी है आप सभी लोग काम कर रहे हैं और सभी को दिखा भी रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार के स्तर पर हो, राज्य सरकार के स्तर पर हो, सभी हमारी एजेंसियां, सारे लोग अपने फुल एफर्ट्स कर रहे हैं, जितने एफर्ट्स हो सकते हैं कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन हर प्रकार से, मतलब कि कितनी वहां पर प्रोग्रेस हुई है, क्या परेशानी उसमें ऑपरेशन में आ रही है, अंदर सारे लोग सुरक्षित हैं, ठीक हैं, उनको भोजन पानी इत्यादि की सब व्यवस्था हो रही है, और सभी प्रकार की चिंता कर रहे हैं, सभी एजेंसियां भी सहयोग कर रही हैं। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हमारी आशा भी है कि जल्दी से जल्दी ये जो ऑपरेशन है वो हमारा पूरा हो जाएगा। मशीनों को भी आज हम लोगों ने ऊपर की तरफ जाते हुए देखा। नहीं, मैंने कहा कि आपको मैंने बोला कि पांचों जो ऑप्शन है, जितने भी ऑप्शन है, जितने भी हमारे पास रास्ते हो सकते हैं उन तक पहुंचने के, उनको बाहर निकालने के, उन सभी पर काम होगा, एक साथ काम। अरे भाई एक मिनट, अरे एक मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा, मैं, अरे भाई मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, मुझे, मैं सबके प्रश्नों का जवाब दूंगा, आप एक एक करके पूछिए, एक एक करके पूछिए। आज एक मिनट को पूछने की जो मौजूदा संसाधन है, लगता है कि और कुछ टेक्नोलॉजी, देखिए सारे ही संसाधन यहाँ पर उपलब्ध हैं, और जो संसाधनों की आवश्यकता पड़ रही है, जैसे प्लाज्मा कटर यहाँ पर नहीं था, प्लाज्मा कटर तत्काल मंगाया गया है, अन्य भी जो संसाधनों की आवश्यकता पड़ रही है, चाहे अन्य टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ रही है, सभी यहाँ पर उपलब्ध करवाई। देखिए देखिए ऐसा है कि हम सारी चीजों को, सारी चीजें ध्यान में है, लेकिन उसके बावजूद हमारा सारा ध्यान इस पर है कि पहले हमारे जो भाई वहाँ अंदर हैं उन सबको बाहर निकाला जाए, उसमें आप सबका भी सहयोग अपेक्षित है। ड्रिलिंग कब से स्टार्ट की जाएगी, समय सीमा उसकी, वर्टिकल ड्रिलिंग कब से स्टार्ट की जाएगी? नहीं, वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जो है आज से ही जो है उस पर काम शुरू हो गया है। सर ये जीपीआर जो था, प्लाज्मा मशीन अरविंद, ये जो जीपीआर कहा जा रहा था कि 5 मीटर आगे का पैसेज सेफ है, तो उसके बाद सर ये यहाँ क्यों फेल हो गया, क्यों मशीन टूट गई? और दुनिया भर के टॉप एक्सपर्ट्स हैं सर यहाँ पे, उसके बाद कितना बड़ा ब्लंडर हुआ है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी इसमें फाइनली किसी? देखिए मैंने क्या कहा कि ये सब बातें आप लोग सेकेंडरी हैं, सबसे पहले हमारा काम है कि सबको पहले सुरक्षित बाहर निकालें, और वो सब चीजें होंगी और उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। कोई प्रयास नहीं हो गया अभी, सारे प्रयास हो गए, सेना की, सेना के लोगों की ऑलरेडी उनकी मदद ले रहे हैं। ह्यूमन इंजीनियर डिजास्टर, मैन मेड ह्यूमन इंजीनियर डिजास्टर।
अब देखिए अभी तो जो भी डिजास्टर की स्थिति है उससे हम लोगों को सबको जो है चुनौतीपूर्ण तरीके से उसका सामना करना है। पर क्या किसी और जगह पर कोई प्रोग्रेस है? बड़कोट की तरफ से पहले बताया गया था कि 9 मीटर तक अंदर पहुंचे हैं। वो काम कर रहे हैं आरबीएनएल वाले लोग, वहाँ से लगे हुए आरबीएनएल वहाँ से काम कर रही है और ऊपर से सतलुज वाले काम कर रहे हैं अलग अलग तरीके से सभी साइडों का काम कर रहा है। अच्छा आप लोग पहले तय कर लीजिए कौन बोलेगा भाई। अब देखिए इतने लोग एक साथ ऐसा है देखिए एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैंने आपको वो सब स्थिति बताई है। मैं आपको कोई घुमा फिरा के बातें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को मैं जानता हूँ कि बहुत चिंता है जो अंदर हमारे भाई हैं और हम लोग सब लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैंने वो बात बताई है जो अभी वर्तमान में स्थिति है, जो टेक्निकल चीजें हैं, जो भी ड्रिलिंग से लेकर कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितना क्या और प्रयास हो रहे हैं, कितना और जो है टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, विशेषज्ञों को और बुलाने की आवश्यकता है, कौन कौन इस पर काम कर रहे हैं, इस पर हमारे जो ब्रीफिंग होती है रोज की, उस ब्रीफिंग में आपको सारा विस्तार से बता दिया जाएगा। जीपीआर हमको बताया गया था कि आपको पूरा ब्यौरा दिया गया था जीपीआर मैपिंग का, ये बताया गया कि 5 मिनट का कोई प्रॉब्लम नहीं है और साथ में ट्रेमर्स नापने वाले भी एक्सपर्ट थे। मैं एक मिनट आपका प्रश्न अनुराग जी उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए आप। जो ये कह रहे हैं ना आगे का पाइप जो है उन्होंने ये ड्रोन ने देख लिया था कि 5 तक ठीक नहीं है, जो आप बता रहे थे ना मुझे दूसरे तौर पे समझ में आता है कि वहाँ पे उन्होंने जो पाइप के मुंह पे रखा सर आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज कोनिकल शेप पे वो देखता है और शायद उसका ये हुआ होगा कि दोनों बार जस्ट पाइप के एंड पे रही होगी और जब वो काटना शुरू करता है तो दैट गेट्स पुल्ड और समथिंग, तो उसके बाद वहीं उस ब्लॉगर के साथ अंदर आना। तो सर यहाँ एक्सपर्ट का क्या काम है? ये एक ऐसी चीज है जो कंपनी वाले खुद हैं जो उस मशीन को बनाए हैं वो साथ में यहाँ पे थे, उन्होंने ये सब चीज जब भी एक्सपर्ट कहते हैं वो कहते हैं ऐसी ऐसी चीज है। उन्होंने बताया था कि 2.1 मीटर पर कोई चेंज आएगा, 3 समथिंग मीटर पर कोई चेंज आएगा। अब उसके बाद ये जो ऑगर अंदर फंस गया, नहीं तो अदरवाइज थोड़ा अंदेशा होता तो मैनुअल ट्रेन हम तो शुरू कर सकते थे, बट उसी चीज पर डिबेट कर रहे थे हम लोग। बट फाइनली ये हुआ कि अभी नहीं है तो अब उसको तो 10-12 मीटर और बचा हुआ है तो उसको जल्दी से सर आप जीपीआर को लेकर मैपिंग बेसिस पे आप लोगों ने कहा कि हम फुल स्ट्रेंथ से ऑगर मशीन को आगे ले जाएंगे, कोई गलत रीडिंग थी कल पे? देखिए ऐसा अभी हम लोग मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, देखिए जितने भी प्रयास हो सकते हैं वो सारे प्रयास हो रहे हैं और आज रात तक पूरी रात भर काम चलेगा। आज ये जो कटर है हमारा प्लाज्मा कटर वो शाम तक पहुंचेगा। अभी क्या है कि हम लगभग 1 घंटे में 1.5 मीटर काट पा रहे हैं और उसके आने के बाद 1 घंटे में हम 4 मीटर लगभग काट पाएंगे, तो उससे बहुत आसानी से जल्दी जो है हमारा ये 30 मीटर जो बचा हुआ है वो हमको लगता है कि 7-8 घंटे में कट जाएगा। उसके कटते ही मैनुअली अंदर जाएंगे और 1 मीटर 1 घंटे का मैनुअली जो है उसको करने के बाद उसको पाइप को पुश करने का काम शुरू होगा। तो ये मान के चलिए कि जल्दी से जल्दी हो, अगर कोई हर्डल ना आए जिस प्रकार से आप लोग सहयोग बनाए हुए हैं उसको हम लोग देखिए ऐसा है, हम लोग क्योंकि ऐसे स्थान पर हैं कि यहाँ से हमारे सबके बीच में अगर सकारात्मक भाव रहेगा तो आवाज अंदर तक जाएगी।